दोस्तों मैं विकास तुली यूट्यूब पे टेनिस के रिगार्डिंग पोस्ट मैच टेनिस पर वीडियो लेके आ गया हूँ। सेकंड वीडियो पे जो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ दोनों यूएसए के प्लेयर और बढ़िया प्रदर्शन कर रहे थे भाई साहब। दोनों के बीच में ऑलरेडी 4 बार मैचेस हो चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ ब्रेंडम नाकाशिमा वर्सेस क्रिस्टोफर यूबेंक्स। दोनों प्लेयर अच्छे प्रदर्शन करते हैं और दोनों भाई साहब टेनिस पैराडाइज में आ रहे थे मैच खेलने अपना फर्स्ट राउंड। जो विक्ट्री हासिल करता वो नेक्स्ट राउंड में प्रवेश हो जाता है, राउंड टू के लिए क्वालिफाई करता। बट सारे प्लेयर तो कर नहीं सकते, दोनों में से एक ही करेगा। जिसने अच्छा प्रदर्शन किया वो है नाकाशिमा। देखा जाए इनके हेड टू हेड राउंड में बात करूँ तो भाई साहब पहले नाकाशिमा जीते हैं, फिर क्रिस्टोफर यूबेंक्स जीते हैं, फिर नाकाशिमा जीते हैं, फिर क्रिस्टोफर यूबेंक्स जीते हैं। तो देखा जाए एज ए सीक्वेंस तो नाकाशिमा जीतना चाहिए थे, वही जीते हैं। ATP रैंकिंग 93 ATP रैंकिंग थी, क्रिस्टोफर यूबेंक्स 34 ATP रैंकिंग थी और हराया है जो इनकी रैंकिंग थोड़ी आ रही थी ब्रैंडम नाकाशिमा ने। फिलहाल दोस्तों एनालिसिस में बढ़ने से पहले बता दूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया तो नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिए ताकि सारी अपडेट्स पोस्ट मैच प्री मैच सारे ब्लॉग से रिगार्डिंग मिल सके। फिलहाल दोस्तों बढ़ते हैं पोस्ट मैच एनालिसिस पर। पहले सेट की बात की जाए तो पहले सेट में शुरुआत अच्छी रही दोनों प्लेयर्स द्वारा। सर्विस गेम पे होल्ड रखे थे, 1-1 हुआ, 2-2 हुआ, सर्विस गेम ब्रेक की ब्रैंडम नाकाशिमा ने और अपनी सर्विस गेम पे तो होल्ड रखा, जिसके चलते पहले सेट पे उन्हें जीत हासिल हुई 6-3 से। सेट की बात की जाए तो सेकंड सेट में भाई साहब दोनों प्लेयर्स अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखे रहे थे और ब्रेक पॉइंट्स नहीं होने दे रहे थे कन्वर्ट आया कोई आता है। वैसे नाकाशिमा ने कोई ब्रेक पॉइंट आने नहीं दिया और क्रिस्टोफर यूबेंक्स ने कोई कन्वर्ट होने भी नहीं दिया सेकंड सेट में। और उन्होंने भी सेकंड सेट में देखा जाए कोई ब्रेक पॉइंट लाया नहीं, वैसे वो भी सिर्फ फर्स्ट सेट में आया था, सेकंड सेट में तो उनका भी कोई ब्रेक पॉइंट नहीं आया। तो 1-1, 2-2, 3-3 करके 6-6 पे हो गया। मिनी ब्रेक इस बार ब्रैंडम ने हासिल किए और जिसके चलते 7-3 से टाई ब्रेकर जीता, सेट जीता 7-6 से। पहला सेट 6-3 से, सेकंड सेट 7-6 से नेट स्कोर में प्रवेश कर चुके हैं। क्या लगता है दोस्तों नेक्स्ट राउंड में कैसा मैच होगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं। फिलहाल दोस्तों अगर ये मैच के स्टैट्स देखा जाए तो एसी दोनों प्लेयर ने 5-5 लिए हैं, बट क्रिस्टोफर यूबेंक्स ने डबल फॉल 4 किए हैं। दूसरी ओर ब्रैंडम नाकाशिमा ने कोई भाई साहब डबल फॉल नहीं किया, ये अच्छी बात है। अगर देखा जाए ब्रेक पॉइंट्स, एक ब्रेक पॉइंट आया और ब्रैंडम ने भाई साहब तुरंत ब्रेक पॉइंट कन्वर्ट किया, वो था पहले सेट में, और ब्रैंडन ने साथ में टाई ब्रेकर भी जीता। तो जो दो मेन वजह है ये मैच जीतने के। फिलहाल दोस्तों मैं चलता हूँ, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।